नागपूरमधील मानकापूर विभागीय क्रीडा संकुल येथे आजपासून 3 दिवसीय शौर्य संध्या या भारतीय लष्कराच्या संदर्भात असणाऱ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आज कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले असून मानकापूर विभागीय क्रीडा संकुल कार्यक्रमासाठी सज्ज झाले आहे. नागपूरमधील विद्यार्थ्यांमध्ये नागरिकांमध्ये भारतीय लष्कराबद्दल जनजागृती करण्यासाठी भारतीय लष्कराकडून 3 दिवसीय शौर्य संध्याचे आयोजन मानकापूर विभागीय क्रीडा संकुल येथे करण्यात आले आहे. आर्मी कशी जॉईन करायची, यात काय असतं, अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं या आयोजनात विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. सोबतच आकर्षक विविध प्रकारच्या लष्कराच्या कार्यवाही, यामध्ये मोटरसायकल डिस्प्ले, आर्मी डॉग शो, विशेष पथकाच्या कार्यवाही, आर्मी सिपनी बँड, ड्रोन डिस्प्ले, फ्लाय प्लास्ट याचा थरार अनुभवायला मिळणार आहे. संध्या क्या आयोजन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा. इसका उद्देश्य है कि यहाँ के यूथ में, यहाँ के बच्चों में और यहाँ के लोगों में सेना के बारे में थोड़ी जानकारी बढ़ाई जाए, उनमें थोड़ा अवेयरनेस बढ़े, और जिसके मन में कोई सवाल हो आर्मी के बारे में कि कैसे ज्वाइन करना है और आर्मी में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या ट्रेनिंग है, हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो इन सब का यहाँ पर हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे. तो ये 2 तारीख से शुरू हुआ है और 4 तारीख तक रहेगा, 3 दिन के लिए. आज 2 तारीख को सुबह इसका इनॉग्रेशन किया गया है. उसके बाद दोपहर की शौर्य संध्या कार्यक्रम में यहाँ के भारतीय सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे रहेंगे और उनके साथ अपनी गणमान्य अतिथि रहेंगे. उसमें हम लोग डेयर डेविल्स की टीम है, स्काई डाइवर्स हैं, हॉट एयर बलूनिंग है और जो भी आर्मी का और भी बहुत सारी चीज़ें सब मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा. मैं चाहूँगा कि लोग आके देखें और आर्मी की कैपेबिलिटीज़ उसके बारे में समझें. ये यहाँ पर जो प्रदर्शनी भारतीय सेना की द्वारा आयोजित की गई है नागपुर के लिए एक बड़े गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे नागपुर के सभी जनता को ये 3 दिन के लिए खुली रखी है और हमारे जो जवान बड़े विपरीत परिस्थितियों में भी जहाँ हमारे देश की रक्षा करते, बॉर्डर पर रक्षा करते हुए कभी कभी उनकी जानें भी जाती है, तो किस वेपन्स के द्वारा, किस मिसाइल के द्वारा, किस बुलेट के द्वारा हमारी रक्षा करते और हम उनके रक्षा करते, इसलिए हम यहाँ पर सेफ हैं. तो इसकी सारी प्रदर्शनी मैं नागपुर वासियों को आह्वान करूँगा कि आप सभी लोग ये देखने को आइए.